हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। ठंडी में, और आप भी ठंडी में अच्छे ही होंगे, ठंड का मजा ले रहे होंगे। ठंडी बहुत ज्यादा हो रही है। देखो, सुबह सुबह का टाइम है और बजे हैं करीब करीब 8 बजे हैं। पति देव अभी आए हैं, अपना पानी वानी पी रहे हैं, फिर जाएंगे, आपको पता ही है। और बच्चे अभी सो सो के उठने लग रहे हैं, उन्हें उठाने लग रही हूँ। आज संडे है ना, तो थोड़ा लेट हो गए हैं। और यहाँ मैंने चला रखी है अपनी मशीन कपड़े धोने की। यहाँ मेरी चल चुकी है सुबह सुबह मशीन, कपड़े धुल रहे हैं और मैं नहा धो के आ चुकी हूँ और इनको बच्चों को उठा रही हूँ। उठ जाओ बेटा, चलो ये कर रहे हैं अपने बिस्तरे बिस्तरे थोड़े से फोल्ड, क्योंकि आज संडे है तो थोड़ा बहुत ये भी करते ही है। और वो देखो कहाँ बैठ गई है सुबह सुबह, वो देखो कोने में बैठी है, शोल वो लोड़ के मम्मा मम्मा कर रही है, बोरी छोटी। और मैं बनाने जा रही हूँ अब इनके लिए चाय, क्योंकि करीब करीब 8:15 साढ़े 8 हो ही जाएंगे, इतने बनाऊंगी। और ये मांग रही आलू का पराठा, जो कि मैं लेट हो गई हूँ, अभी तो बनाऊंगी नहीं। अभी तो मैंने ब्रेड मंगा ली है यानी पीस मंगा लिए, पीस भी कहते हैं, तो उनको सेक दूंगी, घी लगा दूंगी। और कहेंगे तो ज्यादा कहेंगे तो ऑमलेट बना दूंगी, क्योंकि अंडे घर में ही होते हैं। देखो रोने भी लगी आलू के परांठे के लिए बना रहे हैं तो उसको मैं बहका लूंगी। ये देख संजीदा जी खड़ी है और मैं बनाने जा रही हूँ अपनी चाय सुबह सुबह। और ठंड इतनी ज्यादा है कि सुबह सुबह नहाने का तो मन बिल्कुल ही नहीं है। ये देखो मैं चाय चढ़ा के गई हूँ, अदरक कैसे खोल रही है काफी देर की, क्योंकि अदरक का जब तक पूरा कस नहीं आ जाए ना चाय में मजा नहीं आएगा, तो इसलिए अदरक चल रही है, अभी बढ़ रही है। और मैं बना रही हूँ अभी इनके लिए चाय। और ये ब्रेड मैंने मंगाए हैं, ब्रेड रहे और कुछ पराठे सेक दूंगी, एक दो आटा भी रखा हुआ है। और वैसे तो मैं आलू के पराठे बना देती हूँ, लेकिन अभी मेरे को क्योंकि कपड़े भी धुल रहे हैं ना बीच में, अभी मैंने पानी भी नहीं भरा है। सुबह सुबह पानी आ जाता है, पानी बहुत तंग करता है उठाने के लिए, तो वही है। अभी मिलती हूँ थोड़ी देर में, आप बने रहिएगा ब्लॉक में। तो जी यहाँ बना दिए मैंने इनके लिए चाय और आमलेट। आमलेट मैंने बिल्कुल नहीं दिखाया है, क्योंकि कुछ लोग खाते हैं कुछ लोग नहीं खाते हैं, तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने इनके लिए कुछ ब्रेड सेक दिए, कुछ आमलेट बना दिया और कुछ चाय बना दी। और इनके पापा अभी नहाने गए हैं और बाबू भी नहा चुकी है हमारी, बाबू मेरी नहा के आ चुके हैं। ठंडी ठंडी सुबह सुबह है ना। गुड मॉर्निंग करो, बोलो गुड मॉर्निंग, बोल दो बोल दो बोल दे गुड मॉर्निंग नहीं बोलेगी सुबह सुबह। बाबू टीवी की आवाज मंदी करो, बहुत सुबह सुबह बैठ गई है टीवी देखने, उसका ये काम, ये पहना रही है इसको कपड़े। चलो तो चाय पी लेती हूँ मैं, क्योंकि चाय बिना बाकी आगे मुझसे काम नहीं होता है कौन कौन लेडीज है जिनसे चाय पिए बिना बाकी के काम नहीं होते, वो तो सुबह सुबह है मुझे करने पड़ जाते हैं, वो कि चाय के बिना मेरे से काम नहीं होगा। पहले मैं चाय पीऊंगी, बाकी उसके बाद सारा काम खत्म करती हूँ। लेकिन अभी क्या है कि बाल बच्चेदार हो गए हैं, तो पहले पहले बनाना पड़ता है। नहीं, अपने घर में तो पहले चाय बनी बनाई उठाया जब जाता था, जब पहले चाय बन जाती थी, तो अब क्या है कि चाय तो पहले बनानी पड़ेगी, बच्चों के लिए बना दी। और अब मैं पी लेती हूँ चाय, उसके बाद करूंगी बाकी के काम, यानी साफ सफाई के, लंच वंच के बाद में करूंगी, तो मिलते हैं बाद में, बने रहिए। तो जी ये हो चुका है दोपहर का टाइम और लंच हम कर चुके हैं। लंच में बनाए थे हमने वेज बिरयानी। किचन बंद कर देती हूँ अभी, वेज बिरयानी, और वो हम खा चुके हैं और बच्चे खा चुके हैं, इनके पापा, सब लंच हो चुका है और ये देख रहे हैं सब टीवी। और मैं आ गई हूँ यहाँ, और किसी ने जो मैंने सेल्फ रिस्पेक्ट की वो डाली थी ना वीडियो, उस पर किसी ने कहा है, पूछा है कि अगर सेल्फ रिस्पेक्ट है तो अपने, जब अपने ही पति ना करे, इज्जत ना करे, वो ही अपमान करे, तो फिर क्या करे दीदी, ये पूछ रहे हैं। तो जी पति पत्नी का ऐसा है, पति पत्नी का झगड़ा देखो किसका नहीं होता, सबका होता है। हर मतलब कहीं ना कहीं हर रिश्ते में छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो होती ही है,
जिसको कि टोटली इग्नोर इग्नोर करो, बिल्कुल इग्नोर करो। और जहाँ पति की बात आ जाती है तो पति पत्नी में भी बहुत सारे झगड़े होते हैं। कभी झगड़े थोड़े से बड़े हो जाते हैं, कभी झगड़े थोड़े छोटे होते हैं। तो मेरा हिसाब से है ना, पहले तो एक दूसरे की बातें छोटी बड़ी जैसी भी होती है उनको इग्नोर करो, जहाँ तक कर सकते हो आप करो। और कहीं भी जब आपके सम्मान पर बात आ जाए, क्योंकि एक हमारा जो लेडीज का होता है ना वो एक दायरा होता है कि यहाँ से है और यहाँ आगे क्रॉस नहीं करना, जितना हमसे सहन होता है हम कर रहे हैं। और जहाँ आपके आत्मसम्मान पर बात आ जाए, जहाँ आपकी सहन शक्ति खत्म हो जाए, हमारे औरतों में बहुत सहन शक्ति होती है, बहुत होती है, भगवान ने हमें बहुत सहन शक्ति दी है, हम सहन करते हैं। लेकिन जहाँ सहन करने की लिमिट खत्म, वहाँ खत्म। जहाँ आत्मसम्मान पे बात आ जाए तो आप पति से भी लड़ जाओ। हाँ हाँ, कुछ औरतें कहेंगी पति से लड़ने को बता रही, नहीं भाई लड़ने को नहीं बता रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि जहाँ भी अपनी रिस्पेक्ट की बात आ जाए ना, वहाँ आप किसी से भी भिड़ जाओ, क्योंकि अपने आत्मसम्मान को ठेस बिल्कुल नहीं पहुँचने दो। मेरा मानना है कि जहाँ इंसान है ना इग्नोर करना सीख जाता है ना, तो वहाँ बहुत कुछ समझ जाता है। तो आप बहुत सारी बातें तो इग्नोर ही करती हैं, हम लेडीज करती है ना, तो ऐसे ही करते हैं। और सबसे अच्छा दोस्त अपने काम में है ना, बिजी रखो, अपने आप को बिजी रखो कि कोई किसी से आपको ज्यादा बोलना ही नहीं पड़े, ज्यादा किसी से दिमाग लगाना ही ना पड़े। और सबसे अच्छा दोस्त अपने बच्चों को बनाओ, क्योंकि जहाँ बच्चे हो जाते हैं ना, बच्चे होते ही इसीलिए, बच्चे जब हो जाते हैं तो लाइफ बहुत संभल जाती है मेरे हिसाब से। तो अपने बच्चों को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाओ कि किसी से ज्यादा मत्था मारने की जरूरत ही ना पड़े। तो जी मेरा मानना तो यही है कि जहाँ आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ जाए ना, तो चाहे पति हो चाहे कोई भी हो, किसी की नहीं सुने, फिर आप अपने लिए आवाज उठाना बनता ही है। और आप बताना बनता है नहीं बनता है, मेरे हिसाब से तो बनता है, क्योंकि सुनते रहोगे तो आपको लोग दबाते रहेंगे, जितना सुनोगे उतना दबाएंगे। तो जितना सुनाना है सुनाओ, और जितना सुनने की ताकत है उतना सुनो, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। और कुछ पूछना है तो आप कमेंट में बताना, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और नए सवाल और जवाबों के साथ। थैंक यू, बाय।